अरुणजी बुलबुले, आपको तो पता ही है कि 2 दिन से यहाँ पे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और इसी बीच फादर्स डे भी आ गया है। तो फादर्स डे की हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग बाहर जाएंगे, केक वगैरह कट करेंगे। तो सैटरडे को तो कल तो मतलब बिल्कुल ठीक था मौसम, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश सुबह से हो रही है। तो आज तो बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया कि ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, और न्यूज़पेपर वाला तो आ गया था सुबह, हाँ दूध वाला भी नहीं आया है। फादर्स डे पे हमने कुछ खास किया नहीं, क्योंकि घर घर में ही रहना था, घूमना फिरना, केक वगैरह कुछ नहीं हो पाया। और रात में मैंने और गौतम ने थोड़ा पंगा भी कर लिया था, तो हमारा कोई ऐसा मूड नहीं था। मूड क्या, मूड तो हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चे इस बहाने से इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो रात की रात में ही ख़त्म हो गई थी। और सुबह फिर मैंने क्या बनाया, क्या स्पेशल सी डिश बनाई, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया। और साइक्लोन ने तो पूरा प्लान चौपट कर ही दिया, और आपने पेपर में देखा होगा कि साइक्लोन ने क्या क्या हाल या क्या तबाही मचाई है। तो सच में ही बहुत ही बुरा हाल कर देता है साइक्लोन तो, और दिन रात बारिश और साथ में तूफानी हवा, तो बहुत ही बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है। तो साइक्लोन बिपरजॉय के बीच हमने फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, साथ में लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, सौंफ पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और बीन्स को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल थोड़ा सा, और इसको और अच्छे से मैश करके इसको टिक्की की शेप दे दी है। तवे पे ही डाला है थोड़ा सा ऑयल और इनको शैलो फ्राई कर लिया है। ब्रेड पे मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा सबको मेयोनी में मिक्स करके स्प्रेड कर दिया है, और इसके ऊपर जो टिक्की बनाई थी वो रख दी है, और दूसरी साइड लगा के बटर इसको कवर करके रख दिया है सैंडविच मेकर में। गर्मा गर्म आलू टिक्की सैंडविच बनके तैयार हो गया है। बाहर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, और पेड़ पौधे आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं, पानी पूरा भर गया है बाहर, तो ओवरफ्लो हो गया है, और लॉन में भी आज पूरा पानी भर गया है। हमारा स्पाइडरमैन बालकनी में बारिश की वजह से छुप के खेल रहा है ताकि भीग ना जाए। केली अपने पापा के गोद में है, लेकिन उसकी नज़रें इधर ही है कि मम्मा क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं ले रही है। बटर बीन्स कैफे आ रही है, 8 बजे आता है। 8 बजे, चलो मैं आपके लिए पराठा लेके आती हूँ। आलू टिक्की बर्गर काफ़ी हैवी थे, तो दोपहर में मैंने सिवई बनाई हुई थी और वो थोड़ी थिक थी, उसको फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ी थिक हो गई थी। उसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा मैंगो और अनार के दाने, और ऊपर से गार्निश किया है उसको बादाम से, और देखने में बहुत ही यम्मी लग रही थी, और उससे भी ज़्यादा यम्मी ये खाने में थी। मैंने अनी को बुलाया। क्या बोलना है पापा को? हैप्पी फादर्स डे। यस, और साथ में ये भी देना है। Yes. Yes, देखो yes. चलो भी देते हैं, ठीक है? पढ़ तो आप प्यार से बोलना। अंदर तो दिखाओ नहीं।
कि अंदर भी है इसमें कुछ? साथ में खाएगा क्या है? बाहर बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि अंदर सही से आवाज़ नहीं आ रही है। मौसम ऐसा हो रहा है कि अभी 2-3 दिन तक इसके खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बारिश भी सुबह 4 बजे से हो रही है और वो बंद ही नहीं हुई है। लाइट तो ठीक ठाक आ रही है, बीच बीच में थोड़ी सी देर के लिए चली जाती है लेकिन आ जाती है। लगातार बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मौसम ठंडा हो गया है, तो केली को हमने पहना दी है फुल ड्रेस ताकि उसे ठंड ना लगे, और केली को लिटा दिया है प्राम में। घूम रही है आराम से, सोने का भी मन है लेकिन सो भी नहीं पा रही है वो। और केली जब प्राम में घूमती है तो पैर ऐसे ही रहते हैं उसके ऊपर, और अनी भी ऐसे ही पैर ऊपर रख के ही इसमें लेटा करता था वो छोटा था। तो केली घूमते घूमते बहुत ही खुश है और वो देख रही है कि ये कैमरा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है बीच बीच में, तो वो उसकी हंसी थोड़ी सी गायब भी हो जा रही है। केली सो गई थी तो उसको मैंने अपने पास ही किचन में लिटा लिया था, और अनी को खाना था रात में डोसा। तो बारिश इतनी तेज़ थी कि हम बाहर से तो मंगा ही नहीं सकते थे, तो मैंने घर में ही उसके लिए डोसा बनाया। साथ में चटनी भी बनानी थी लेकिन किचन में क्योंकि केली लेटी हुई थी मेरे पास तो मैं चटनी नहीं बना पाई। अंदर उसको इसलिए नहीं लिटाया था क्योंकि अनी शोर मचाता है और वो उठ जाती है। और गौतम के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बाजरे की रोटी। बहुत अच्छी तो मुझे बनानी नहीं आती है लेकिन जैसी भी बनाती हूँ वैसी ऐसी रहती है कि हाँ वो खाने लायक हो जाती है। और देखिए मेरी रोटी फूल भी गई। और गौतम ने बनाया था, मटन रखा हुआ था, तो बाजरे की रोटी और मटन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही टेस्टी होता है। और इस रोटी को भर दिया है मैंने घी से ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, ड्राई ड्राई सी ना लगे। और लगा दी है गौतम की थाली, और गौतम को खा के ये बहुत ही अच्छा लगा। तो बस ऐसा रहा हमारा फादर्स डे। आपने फादर्स डे कैसे मनाया हमें कमेंट करके बताना, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।